गैंगस्टर विकास दुबे का सहयोगी गुड्डन त्रिवेदी और सोनू तिवारी को मुंबई एटीएस ने थाने से किया गिरफ्तार। कानपुर पुलिस हत्याकांड में शामिल होने का आरोप। गुड्डन पर यूपी सरकार ने रखा है 25 लाख का इनाम। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम का बड़ा बयान। एनकाउंटर का सच आना चाहिए सामने, तभी बढ़ेगा अदालत और कानून पर विश्वास, वरना पुलिस खुद बन जाएगी जज और अदालत। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश पर एमपी के सीएम शिवराज का पलटवार। बोले, कांग्रेसियों को नहीं पता सोलर प्लांट और सोलर पार्क में अंतर, फिर सरकार बनाने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों में नहीं होगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं, छात्रों को जल्द दी जाएंगी डिग्रियां, कोरोना से बचाने के लिए सरकार की पहल। उत्तराखंड के लिए भारत नेट फेज टू को मोदी सरकार ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, राज्य में आएगी नई दूरसंचार क्रांति, 5,991 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा इंटरनेट। उत्तराखंड के हरिद्वार के कनखल में भिड़े भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता। कॉलोनी में सड़क बनाने को लेकर आए आमने सामने, जमकर हुई नारेबाजी। कांग्रेसियों का कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पर हल्ला बोल, उपेक्षा से पिछड़ रहा हरिद्वार। सड़कों का पैसा कहां गया? साल मंत्री जी आए थे, यही समय था बरसात का, और मंत्री जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। ये अगर एक महीने के अंदर अंदर ये सड़कें सारी सही ना हो गई तो मैं गाड़ दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। तो आज हमें एक साल बाद याद आया, मैंने पुनः बरसात आ गई है, तो हम याद दिलाने आए मदन जी, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा है। और आज एक साल बीत गया है, उससे भी 3 महीने पहले की बात है। आप पूरी कॉलोनी में हम घूम का है, कोई कह रहा, कोई बहन कह रही है 1.5 साल हो गए, कोई बहन कह रही है 2 साल हो गए। ये पैसा गया तो गया कहाँ, सड़कों का पैसा? मदन जी तुम्हारा पेट है कितना, समा कहाँ रहा है वो? आपने तो कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ दिया खाने में, हा? हमें समझ ही नहीं आ रहा, क्या जवान है आपकी? जिस आदमी की जवान नहीं वो आदमी नहीं मानता मैं, उसवार को अपनी जागीर समझा हुआ है। मंत्री जी को गलत फहमी हो रखी है, पैसे बांटूंगा, शराब बांटूंगा, जितना मैं नहीं है, चाहे जितना जुल्म कर लूं, जितना अत्याचार कर लूं पब्लिक पे, हैं, मेरे पोवे बटेंगे, मेरी दारू बटेंगी महंगी से महंगी, और जो है पैसा बटेगा और मैं जीत जाऊंगा। हम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, हम उन्हें याद दिलाने का काम कर रहे हैं, पिछले साल मंत्री जी ने क्या वादा किया था आपके बीच। पूरी फौज थी उनकी, लाओ लश्कर था उनके साथ, अधिकारियों की टीम थी, वो अधिकारी भी मुर्दा है मुझे लग रहा। मंत्री जी तो माल खा ही रहे, लेकिन अधिकारियों की भी संलिप्तता है, अधिकारियों की भी आत्मा मर चुकी है। जनता त्राही त्राही कर रही है, और हम जहां भी इस तरह के सड़क होंगी, गड्ढे होंगे, जहां जहां भी इस तरह के जो है जनता पे अत्याचार हो रहा होगा, हम वहां वहां जाएंगे, और इस सरकार का हम हटाने के लिए लगे हुए हैं। ये सरकार जानी चाहिए, भ्रष्टाचार की अति हो चुकी, अत्याचार की अति हो चुकी, ये लोग अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पार्टी का प्रदर्शन नहीं था वो महज एक व्यक्ति विशेष का प्रदर्शन था, जो व्यक्ति विशेष सिर्फ अपनी जो है राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में जो अपने पैर आज तक नहीं जमा पाया, वो सिर्फ अपने जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के वो जो है एक पूरे शहर में जो है आजकल जो है रामलीला का मंच सजा रहा है। वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, जहाँ पे भी कोई निर्माण कार्य अगर चल रहे हैं या जहाँ पे भी कहीं कोई अगर जो है प्रगति का काम चल रहा है तो उनमें बाधा प्रकट करने का काम कर रहा है। आज अशोक शर्मा जी कह रहे हैं कि संदेश नगर में जल भराव की समस्या है, मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और सभी जिला प्रशासन से एक निवेदन करूंगा कि ये एक सवाल जरूर पूछा जाए कि ये जो संदेश नगर जलमग्न हो रहा है इसकी वजह कहाँ है, इसकी वजह जो कहाँ है, ये जो चंद्रनगर कॉलोनी आप हमारे पीछे देख रहे हैं इसका कॉलोनाइजर कौन था जिसने नाले को कॉलोनी के बीच में से उठा करके, जो पुराना नाला खसरों में चल रहा है उस नाले को उठा करके उसका स्वरूप बदलने का काम किसने करा? उस नाले से छेड़छाड़ करके आपने हमारे वार्ड को जलमग्न कर दिया। जब से आपने कॉलोनी काटी मैं पूछना चाहता हूँ कॉलोनाइजर कौन है, और मेयर अनीता शर्मा से और प्रशासन से निवेदन करूँगा कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि जिसने इस नाले का स्वरूप बदला, जिसने ये कॉलोनी काटी,
और प्रशासन से भी, प्राधिकरण से भी निवेदन करूंगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और इनकी गथनी और करनी में फर्क है, ये नालों से छेड़छाड़ करते हैं, कॉलोनियां काटते हैं, उसके बाद आकर के ड्रामा करते हैं, लोगों को नोटिस जारी करें हमारे वार्ड के कि नाले से आपने छेड़छाड़ करी। मैं पूछना चाहता हूँ उस कॉलोनाइजर के खिलाफ कब शिकायत दर्ज होगी? कौन था वो कॉलोनाइजर अनीता शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पटना में पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात अपराधी विजेंद्र शर्मा पिस्तौल के साथ गुर्गे संग गिरफ्तार, करीब डेढ़ दर्जन संगीन मामलों में है आरोपी। बिहार के मोतिहारी में दहेज के लिए पति और ससुर की सामने आई हैवानियत, गुप्तांगों में डाली ब्लेड और माचिस की तीलियां, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, जिला अस्पताल में चल रहा विवाहिता का इलाज। हमारा घर है पूरा छपरा, तो बोलिए ना, हमारा घर है पूरा छपरा, हम होटलवा मोठ जगन मियाँ का पोता से और जाहिर मियाँ का बेटा से हम अपने पोती को रिश्ता लगाए निकाह किए और गया 10 दिन का बाद उस पर जुल्म किया, अन्याय किया, जिसके उसको पकड़ के रखे हुए हैं, इसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए और फलना फलना सामान मैंने निकला है। क्या क्या निकला है? हाँ, क्या निकला है? 7 गो सलाई का काठी और 2 गो ब्लेड के टुकड़ा। हाँ भाई, कुछ अंदर में है जो डॉक्टर साहब रेफर कर दिए हैं मेडिकल को मुजफ्फरपुर। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन से नागरिक और व्यापारी बेहाल, भाजपा सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने की केंद्रीय राज्य मंत्री से अपील, सेवा सुविधा और कारोबार के लिए बार बार के लॉकडाउन से दिलाएं निजात। मुंबई के बीएमसी ने खरीदा 20 करोड़ का कोरोना रेमडेसिविर, कालाबाजारी रोकने महानगर पालिका की बड़ी पहल, कोविड मरीजों को मिलेगी इलाज में राहत, संक्रमण से मुंबई में मचा है हाहाकार।